तो क्या हाल है भाइयों की, इस वीक इज वेलकम बैक टू चैनल, होप यू डूइंग वेल। बाकी तुम देख रहे होगे दैट पुराने मिरर्स इंस्टॉल करवा लिए हैं भाई, क्या करें, महंगे बहुत हैं दूसरे वाले। सो सेविंग करेंगे, लगवाएंगे फिर से दूसरे वाले मिरर्स, अभी के लिए तो टूट चुके हैं वो। तुमने देखी होगी सीरीज, आई जस्ट होप तुमको स्पीति सीरीज देखने में मजा आया होगा। और भाई साहब गाड़ी का तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है बहुत। बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट मेन टॉपिक। इस वीडियो में हम लगवाने जा रहे हैं चेन सेट R15 V3 में, बिकॉज मेरा पुराना चेन सेट बहुत ज़्यादा घिस चुका था। वैसे तो हेलमेट गैलरी मेरे घर के पास नहीं है राइट नाउ, इट्स क्या टाइम हो रहा है, 5 बज रहे शाम के, बट मैं थोड़ा सा ऑपोजिट साइड आया हूँ एक गेड़ी मारने के लिए, बिकॉज बहुत दिन हो गए थे। राम प्यारी भी बोल रही थी भाई मेरे को घूमना है, मैंने बोला चल घूम लेते थोड़ा सा। और जो अभी मतलब चेन सेट लगा हुआ है उसका भी मतलब लास्ट बार एक यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद तो ये खुलने वाला है। लेट मी टेल यू गाइस दैट मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ रोल ऑन का चेन सेट। सो लेट मी टेल यू गाइस दैट मैं क्यों रोल ऑन का चेन सेट डलवा रहा हूँ, वाई नॉट स्टॉक वन। तो रोल ऑन का लगाने का फ़ायदा ये दैट कि सिर्फ 500 रुपये महंगा है स्टॉक वाले से, और फ़ायदे 500 रुपये से ज़्यादा ये दैट रस्ट नहीं लगेगी उसमें। एक तो ब्रास का होता है ये, ऊपर से गोल्डन कलर का है, साफ़ सफाई रखेंगे, प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे, हमेशा शाइन मारता रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाटर रेजिस्टेंट है, करोजन रेजिस्टेंट है, साथ में जो मतलब वो लगती है ना ब्लैक ब्लैक सी जो होती है, पर्टिकुलर नेम नहीं पता मेरे को उसका, बट वो भी कम लगती है इस वाले चेन सेट में। सो इट इज़ अ गुड चॉइस, मतलब 500 रुपये डाल के अगर आपको बढ़िया चीज़ मिल रही है तो भाई इन्वेस्ट करना बनता है। सो बस इसीलिए मैं स्टॉक वाले के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बाय द वे मेरे स्टॉक चेन सेट ने 33,000 किलोमीटर्स निकाले हैं, बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है, मानना पड़ेगा। यामाहा सच्ची में यार बहुत सही प्रोडक्ट्स बनाते हो बहुत। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 33,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी मतलब थोड़ा सा और मैं इसको घिस सकता था, थोड़े से जो टीथ होते हैं चेन सेट के वो बचे हुए थे अभी भी, बट रिस्क नहीं लेना चाहता अब मैं, और इतना भी नहीं कंजूस बनना चाहिए यार, चेंज करवा लेना चाहिए। सो आई थॉट कि अब चेंज बनता है। सो ज़्यादा टाइम मतलब मैं आपका लूँगा नहीं, लेट्स विजिट हेलमेट गैलरी और वहीं पे आगे चल के बातें करते बाकी। सो गाइस ये कपलिंग रबड़ भी नहीं बड़ी है, एंड यू कैन हैव अ लुक कि कैसी लग रही है अभी गोल्डन चेन। ये जो वाइट वाइट तुम देख सकते हो ये ग्रीस है, ऐसा मैं सोचना कि मैंने पुरानी ली है। भाई साहब उस गंदी आवाज़ से छुटकारा, हाँ, क्या फील आ रही है भाई, आई डोंट नो वाई, हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, बट मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है रेयर से। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, न्यू चेन के मज़े ही कुछ और हैं। अभी मेरे को टेस्ट करने है कि इसके पिकअप में कोई चेंज आया कि नहीं है। नहीं, पिकअप इज नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही है, बस वो जो इरिटेटिंग सी साउंड थी उससे छुटकारा मिल गया। एंड आई डोंट नो वाई यार ब्रेक्स इतने अच्छे से नहीं लग रही हैं। ना ब्रेक्स नहीं लग रही यार, अभी मेरे एक फ्रेंड है उसको दिखाता हूँ यार, बार बार क्यों ठगना है जब आपका काम फ्री में हो सकता है। जल्दी है, जल्दी है, कैमरा बंद ही, जल्दी है, चल इसको इसके ऊपर बैठ जल्दी, चल मेरे को लग रहा ब्रेक नहीं लग रही यार इसकी रेयर वाली, क्या करनी है मैं, ओ मर जाना मैंने भाई, देख उसको देख ले, खत्म हो गए हैं ब्रेक शू इसके डिस्क पैड, ऐसी बात होगी, थोड़ी देर पहले तो लग रही थी, अभी मैंने चेन सेट डलाया उसके बाद नहीं लग रही है, डिस्क पैड खत्म हो गए हैं तो भाई चेन सेट डलवाया तो डिस्क पैड भी डलवा लेते साथ में। मनी ब्रो पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है।
सो आई वॉज राइट गाइज, मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ इश्यू तो है मेरे ब्रेक पैड्स में, बिकॉज बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लग रही थी। सो चलो ठीक है, खर्चा हो गया, बट एटलीस्ट बाइक अभी परफेक्ट कंडीशन में, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइज, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बाकी इस बार मैं चेन को पूरा मेंटेन करके रखूँगा, पिछली बार मैंने बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करी थी, क्लीन नहीं करी थी, तो इस बार अच्छे से रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।